इधर भी दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर देख लीजिए। चूँकि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसलिए भीड़ को रोका गया है। नहीं तो आज करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु होते, लेकिन लाइव प्रसारण के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश दुनिया में लोग राम मंदिर के इस भूमि पूजन कार्यक्रम को देखेंगे। और सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आपको वही फल प्राप्त होगा। आप जहाँ हैं दीप जलाइए, वृक्ष लगाइए, और जो दीन दुखी हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करिए। प्रयास करिए कि राम राज की स्थापना में आपका मानसिक सहयोग प्राप्त हो। देखिए, कोविड-19 एक ऐसी जंग है जिसको जनता और सरकार मिल के ही लड़ सकते हैं। सबका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए जो सरकार यहाँ जो है तो लोगों को रोक रही है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप घर में रह करके और टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारण के, लाइव प्रसारण के माध्यम से इसका दर्शन करिए। क्योंकि जीवन रक्षा के लिए सरकार ने जो प्रबंध किए, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। जय श्री राम, भारत माता के वंदे मातरम। माता जय वंदे मातरम। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य, आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी राम घाट अयोध्या से हूँ। राम की नगरी इस समय इतना उत्साहित है जो कभी पूर्व में नहीं देखा गया। जिस तरह से त्रेता युग में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला का जब वनवास काल खत्म हुआ था और भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ था, उस समय अयोध्यावासी जितना खुश हुए थे, लगता है इतिहास में उसके बाद दोबारा जो है इस कलयुग में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामलला के दिव्य भव्य राम मंदिर निर्माण का जो 5 अगस्त को भूमि पूजन होना है, उसको लेकर के लोग प्रसन्न हैं। पूरे देश में वृक्षारोपण किया जा रहा है, पूरे देश में दीपोत्सव मनाया जा रहा है, और साधु संत धर्माचार्य संत महंत अयोध्यावासी पूरे देशवासी, यहाँ तक कि पूरे विश्व में कुछ अमानवीय लोगों को छोड़ करके, कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोगों को छोड़ करके, जैसे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान और चाइना कहते हैं कि मातम मनाएंगे, क्योंकि जिनको मानवता से लगाव नहीं है, और बाकी सब प्रसन्न है। यह जो है अद्भुत संयोग है, माना जा रहा है कि 5 अगस्त राष्ट्रीय एकता अखंडता का दिवस तो है ही है, क्योंकि पिछले वर्ष जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 5 अगस्त को हटाया गया था। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पुनर्गठन करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख को केंद्र शासित राज्य बनाया गया था, और 5 अगस्त को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा राम जन्मभूमि का भूमि पूजन की है। इसलिए माना जा रहा है कि यह है राम मंदिर का भूमि पूजन के साथ साथ राम राज्य की शुरुआत है। भारत विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित होने जा रहा है। अब पुनः एक बार वैदिक काल और पौराणिक काल में जो भारत का स्वरूप रहा है, जो गरिमा और महिमा मर्यादा रही है, वो पुनः एक बार प्रतिष्ठित होने जा रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम भारतीयों के आत्मा है, प्राण है, और भारतीयों में ये है, हमारा इतिहास गवाह है कि लोगों ने अपने पिता का त्याग कर दिया, भाई का त्याग कर दिया, गुरु का त्याग कर दिया, लेकिन राम का त्याग नहीं किया है। राम की निंदा करने वालों का कोई जगह नहीं है भारत में, ये देखने को मिल रहा है। यही कारण है कि तमाम जो राम विरोधी राजनीतिक पार्टियां रही, उन लोगों ने घुटने टेक दिया है, और जो जय श्री राम बोलने वाले थे, जो केवल 2 सीट हुआ करती थी, उनका आज परचम लहरा रहा है। इसका मतलब जो राम से नफरत करेगा हिंदुस्तान में, उसका नहीं चलने वाला है। और पूरे देखिए, यहाँ सब दीपक सजाए गए हैं, देखिए दीपक सजाया गया है चारों तरफ, और ये राम की पैड़ी है। यहाँ से जो है 3 लाख दीपक जलाने के, इधर भी दिखा दीजिए, 3 लाख दिया जलाने के, इधर भी दिखा दीजिए, दिखाइए ये राम की पैड़ी, इधर भी दिखाइए, इधर दिखाइए, इधर देख लीजिए। चूँकि वैश्विक महामारी कोविड-19 से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, इसलिए भीड़ को रोका गया है। नहीं तो आज करोड़ों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु होते, लेकिन लाइव प्रसारण के माध्यम से, आप लोगों के चैनल के माध्यम से देश दुनिया में लोग राम मंदिर के इस भूमि पूजन कार्यक्रम को देखेंगे। और सभी देशवासियों से मेरी अपील है कि जो यहाँ नहीं आ पा रहे हैं, आपको वही फल प्राप्त होगा। आप जहाँ हैं दीप जलाइए, वृक्ष लगाइए, और जो दीन दुखी हैं, जो गरीब हैं, उनकी मदद करिए। प्रयास करिए कि राम राज की स्थापना में आपका मानसिक सहयोग प्राप्त हो। देखिए, कोविड-19 एक ऐसी जंग है जिसको
जनता और सरकार मिल के ही लड़ सकते हैं, सबका सहयोग अपेक्षित है। इसलिए जो सरकार यहाँ जो है तो लोगों को रोक रही है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आप घर में रह करके और टेलीविज़न के माध्यम से प्रसारण के लाइव प्रसारण के माध्यम से इसका दर्शन करिए, क्योंकि जीवन रक्षा के लिए सरकार ने जो प्रबंध किए हैं, जो सरकार की गाइडलाइन है, उसका पालन करना हम सभी का कर्तव्य है। जय श्री राम, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आजाद, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम जी। शुभ नाम क्या है आपका? कहाँ? मेरा नाम कृष्ण प्रताप सिंह है जी। कृष्ण प्रताप सिंह। कहाँ से आप? मैं अयोध्या से। यहीं से? जी 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 जी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बड़े सौभाग्य का विषय है कि इतना बड़ा। मैं सरयू तट पे जी मोदी जी के, योगी जी के प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हूँ जी। और हमारे बहुत दूर दूर से सामाजिक भाई बंधु आए हुए हैं। साफ सफाई का कार्यक्रम और व्यवस्थाओं की अच्छी व्यवस्था की गई है। राम जन्मभूमि का, राम जन्मभूमि मंदिर का जो भूमि पूजन होने जा रहा है मोदी जी के द्वारा, उसी संबंध में सारे लोग इस प्रोग्राम को देखने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। सरजू मैया की कृपा है, जो बहुत बहुत दिनों के बाद, जब से देश आज़ाद हुआ, न्यायपालिका द्वारा जजमेंट हुआ है, उसी की व्यवस्था में सारे लोग लगे हुए हैं कि आने वाले समय में सब लोग हार्दिक सौहार्द बनाए रखें, जिससे कोई बात बिगड़ने न पाए।